उछालता हूं। और आज हम एक ऐसी फिल्म, एक ऐसे चलचित्र से डील कर रहे हैं जो इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, इतनी नजाकत से तराशी गई है और इतनी शिद्दत से हगी गई है कि जब मैंने इस पागल कुत्ता नसबंदी अभियान जैसी फिल्म के माइंड बेंडिंग लकुआ मारे लॉजिक पर और मेकिंग पर अपना रिव्यू दिया, तो इसके जो मेकर्स हैं दिमाग से नाइट मोड पर, उन्होंने क्या किया, मेरी वीडियो को स्ट्राइक मार के उतार दिया। ए, फट बंद कर, कैसे तूने पिक्चर को गलत बोला, वीडियो उतार, तेरी मैं पथरूम उतारू, फट बंद कर इसको। कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो लैटरिन में डाल के फ्लश कर दिया हमने। ए, जाना गांड भरा छोले का। और ये सब तब हुआ है जब मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए फेयर यूज के तहत इनके ट्रेलर से फुटेज यूज करी, लेकिन इनके ईगो के आंड उस रिव्यू के द्वारा इतने जबरदस्त तरीके से थपेड़े गए कि ये साइकिल चलाते चलाते अपने ईगो के मोटे आंड लेके बीच वाले डंडे पे गिर गए। अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये खाली मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे और रिव्यूअर्स के साथ हुआ है। और क्यों? क्योंकि भाई बदमाशी है भाई, मैंने पिक्चर बनाई हो, तेरे को अच्छी लगनी पड़ेगी भाई। कैसे बोल दिया तूने, मैं तेरी वीडियो भी ये ना मान लूंगा। तो चलिए फिर आज याद दिलाएं इस फिल्म के चप्पल छाप मेकर्स को कि ये देश नॉर्थ कोरिया नहीं है। आपके हीरो की शारीरिक बनावट किम जोंग उन जैसी बेशक है, लेकिन वो किम जोंग उन नहीं है। और आज भी हमारे देश के संविधान के हिसाब से लैटरीन को लैटरीन बोलना कोई दंडनीय अपराध नहीं है। फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इस फिल्म का नाम नहीं लूंगा, फिल्म का कोई भी मटेरियल यूज नहीं करूंगा। और जरूरत भी क्या है यार, जेब कतरे को जेब कतरा बोल के एड्रेस किया जाता है ना, या नाम लेकर सम्मानित किया जाता है। तो चलिए फिर आज ये लाल पहाड़ी के काले कब्रिस्तान में मटर गश्ती करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच को टोपे के तकिए पे सुलाकर खूनी स्ट्राइके मार के वीडियो उतरवाने वाले बौने क्रिमिनल की सुंडी में कुंडी लगाते हैं इस फिल्म को एक बार और रिव्यू करके आज ऑनेस्टली सेइंग में। और हां, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में हैशटैग लैटरिन कमेंट करते जाना, फुल सपोर्ट की जरूरत है इस वीडियो के साथ मुझे तुम्हारी। वाह, क्या ठंडा ठंडा कूल कूल फील हुआ होगा ना क्रिटिसिज्म को एकदम नेस्ता नाबूद करके गोली मार के सद्दाम हुसैन। इन्फ्लेटेड ईगो के टट्टे पाव भर से किलो भर हो गए होंगे। चार बार हूं 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 किया होगा स्ट्राइक बटन पे दबाकर। अबे चिरौंजी लाल मिष्ठान भंडार प्रोडक्शंस, अगर अपने इन्फ्लेटेड ईगो से ज्यादा इस फिल्म की मेकिंग पे, इस फिल्म में जो हो रहा है चोद भंगड़ा, उस पे ध्यान दिया होता तो आज ये स्कूटी में से पेट्रोल चुराने वालों जैसी हरकतें ना करनी पड़ती। चोर चोरी से जाए पर हराम खोरी से ना जाए। फिल्म ऐसी बनाओ कि पूरा का पूरा यूट्यूब गांड मार ले, फिल्म ऐसी बनाओ कि पूरा का पूरा यूट्यूब गांड मार ले, और फिर अगर तुम्हारे को रिव्यूअर्स घोड़ी घोड़ी बोले तो निकल पड़ो उनकी वीडियो पे स्ट्राइक मारने। आई मीन कम ऑन मैन। ये फिल्म एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडेड जमाल गोटे का मेंगू सेक है, जिसके अंदर रिलीजियस बिगेट्री है, सूडो नेशनलिज्म है, पाकिस्तान हेट है, और वो सारा का सारा मिर्च मसाला है जो इन बगुलों ने बैठ के सोचा कि आग लगा देगा स्क्रीन पर। फिल्म ने स्क्रीन पर तो आग नहीं लगाई, लेकिन लोगों का स्क्रीन को आग लगाने का मन कर गया ये तंदूर देख के। पूरी पिक्चर बना दी और कहानी भूल गए। क्यों? क्योंकि कहानी में क्या होना है यार, क्या होना है कहानी में, हम जो बोलेंगे वो सबको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा तो स्ट्राइक मार के वीडियो उतार देंगे। मैं बताता हूं उनकी डिस्कशन कैसी होगी पिक्चर बनाते हुए। हेलो सर, हेलो सब्ट्रैक्शन प्रिंस मोटा कर्जा सर, एक फिल्म करनी है सर। कौन सी फिल्म है, क्या कहानी है? कहानी सर कहानी का आपने क्या करना है सर, आप तो एक्शन के राजा हो सर, आपको देखते लोगों के टट्टे शॉर्ट हो जाते हैं, आप बस पूरी पिक्चर में ये काम करना। ऊपर से चार अंडिसेंट डायलॉग दे दूंगा और बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम कर दूंगा फुल, लोग सन्ना आ जाएंगे, एकदम भन्ना आ जाएंगे उनके कान, उनको कुछ समझ ही नहीं आ जाएगा, पिक्चर हिट। और सर फिल्म में आपका लुक ना इस बार सारी की सारी पैंटियां ड्रॉप कर देगा, पैन इंडिया पैंटी ड्रॉपिंग फिल्म बन जाएगी ये। बस आपने नहाना नहीं है एक हफ्ते, मतलब गुद्दी पे इतनी चिकनी मैल होनी चाहिए कि ऐसा लगे अभी 50 भटूरे और 30 कचौड़ियां तल के उठे हो, मतलब एकदम इतनी मोटी परत होनी चाहिए, गंदी वैसलीन जैसी लगे गर्दन, एकदम रॉ लुक होगा सर, मजा आ जाएगा सर। वेरी नाइस, बस एक्टिंग नहीं करनी थी मुझे और तुमने वही करा दिया, अभी आता। इतना जबरदस्त लॉजिक है पूरी की पूरी फिल्म में। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की जेल है जो खामा खाही है पिक्चर में, क्यों है किसी को नहीं पता, और उस जेल के कैदियों ने पहने हैं कहां के कपड़े, पाकिस्तान की जेल है तो अमेरिकन कपड़े ही पहने होंगे, पाकिस्तान जेल के कपड़े थोड़ी पहने होंगे। पाकिस्तान के जेल के कैदी है और जेल कहां है, पाकिस्तान में, तभी तो वो पाकिस्तानी जेल है। लेकिन नहीं, इस पिक्चर में नहीं, वो कहां की भाषा बोलेंगे, वो कन्नड़ा बोल रहे हैं। जेल में सारे कैदियों ने जेल वाले कपड़े पहने हैं, लेकिन इस फिल्म का जो हीरो है मिस्टर पिकाचू, वो कैसे घूम रहा है, वो डॉली चाय वाले की तरह एकदम सूटेड बूटेड घूम रहा है,
जहां मौका मिला किसी को थपेड़ दिया, लेकिन उसके बक्कल नहीं हिल रहे, चमकती हुई शर्टें नहीं हिल रही, जो डंगरी पहन रखी है ना वो वही की वही है। और तुम्हें क्या पता भाई, ज्यादा बोलोगे स्ट्राइक मार देगा, ठीक है ना। और ये ग्लेयरिंग आंखों में काटने वाले, जैसे किसी ने तुम्हारी आंखों में नींबू निचोड़ दिया हो, ये वाले फ्लॉस किसी को दिखते थोड़ी है यार, तुम कोई पाकिस्तान गए हो। और वैसे भी इस फिल्म के मेकर्स को लगा पर्दे के उस पार तो नाइजीरियन चिंपांजी देखने आए हैं पिक्चर को, जो अपने जैसा हीरो देखेंगे खुश हो जाएंगे, दो केले खाएंगे, इयू 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 सेम 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 एप करके ताली बजा के घर चले जाएंगे। इस पिक्चर की सबसे आउटस्टैंडिंग चीज ये है कि इस पिक्चर का हीरो हीरो ही नहीं लगता, वो लगता है रावण की सेना का एक एक्स्ट्रा असुर, जो बस इंतजार कर रहा है कि कब कोई उसको आदेश दे और वो बारूद के गोले में आग लगा के उसको सामने वाली सेना पे फेंक दे। पिक्चर में हीरो के इतने भद्दे क्लोजअप है, इतने भद्दे क्लोजअप है, यहाँ कैमरा लगा रखा है नाक के बालों में, यहाँ कैमरा लगा रखा है, ऐसा लगता है कभी भी पर्दे से बाहर आके ना तुम्हारे को एक गीली गीली फ्रेंच किस कर देगा। हुई अब फिल्म का हीरो देखने में तो थॉमस शेल्बी फ्रॉम मैनचेस्टर या फिर एल्बर्टो फ्रॉम इटालिया लगता है, तो कैसे पता लगाए, कैसे बताए लोगों को कि ये तो भाई इंडियन है। तो भैया सिंपल सी चीज है ना, गुदवा दो फीलिंग पर आउट इंडियन हीरो। फिल्म में बीजीएम होता ना यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन ये लैटरिन है तो इस बीजीएम के अंदर फिल्म है। इतना लाउड बीजीएम, इतना लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक कि मेरे आधे से ज्यादा पॉपकॉर्न तो वूफर की वाइब्रेशन से गिर गया और आधे से ज्यादा दिन मेरे कानों में कंपन होता रहा मॉनेस्ट्री की घंटियों की तरह। फिल्म एकदम लट द फंड लाजवाब है और इसमें बस एक ही चीज मिसिंग है, वो है थिएट्रिक्स, एक्टिंग, एसएफएक्स, वीएफएक्स। पूरी की पूरी पिक्चर में हर चीज नकली है। सेट के नाम पर इन्होंने भैया धूल तक को यहां से वहां नहीं हिलाया, एक खिड़की तक साफ नहीं करी। इन्होंने भैया चार गरीब इंटर्न्स को पकड़ा जिन बेचारों को थोड़ा बहुत एसएफएक्स करना आता, उनको खुद भी कुछ नहीं आता, उनको बोला हम तुम्हारा मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा देंगे, बोलो बनाओगे पिक्चर। एक शॉट में तो इतनी धीपीटी की अंधेर गर्दी दिखाई गई है। एक बॉडी बिल्डर की फोटो ली, स्टॉक इमेज कहीं से गूगल से करा होगा, बॉडी बिल्डर की स्पेलिंग भी गलत टाइप करी होगी इन्होंने, और वहां पे हीरो की गर्दन काट के लगा दी और इतनी गंदी ब्लेंडिंग करी है गर्दन की और गुद्दी की कि साफ साफ पता लग रहा है भैया ये फोटोशॉप्ड है। ऐसी फाइन फिल्म मेकिंग देखकर जिसकी माइंड बेंडिंग स्टोरी आपके दिमाग को बेंड करके लकवा मरवा देगी, माइग्रेन का अटैक हो जाएगा, मुझे लगा इसको तो एक लेटर लिख के सराहना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया होगा हॉलीवुड के पास कोई क्रिस्टोफर नूलान करके, हमारे पास है क्रिस्टोफर चालान। तो मैंने देखा व्हाट इज द टाइम इट इज, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम डियर। तो मैं क्या तुम्हें तुम्हारे स्टेट वाले नहीं बोल रहे हैं ये फिल्म देखकर लैटरिन मेकर्स? गूगल रिव्यूज, आईएमडीबी रेटिंग्स, यूट्यूब पर टिंडे तोरी के भाव में बिकने वाले रिव्यूअर्स को खरीदने से लेके फेक कलेक्शंस तक तुमने दिखा दी, पर फिर भी इस टट्टी को गुलकंद घोषित नहीं कर पाए। जिन्होंने तुम्हारे खट्टे अंगूरों को खट्टा बोल दिया, तुमने उनकी वीडियो को स्ट्राइक देके टेक डाउन करवा दिया। और अब जब पूरी की पूरी यूट्यूब रिव्यू कम्युनिटी ने तुम्हारी गांड का घोड़ा बना रखा है, तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि फटी कच्ची पे कब तक हाथ रखोगे, कभी ना कभी तो छेद दिख ही जाएगा। चलो कोई नहीं, इसमें भी कुछ ढूंढ के निकाल लेना और फिर से कॉपीराइट दे देना। योर सिंसियरली मेरे टोबेगा, योर सिंसियरली। इस फिल्म के मेकर्स ने इनके अपने स्टेट के अपने नेटिव लैंग्वेज के रिव्यूअर्स को डराया धमकाया तक है। मेरे को स्ट्राइक दी गई नॉट बिकॉज आई यूज द ट्रेलर, जो कि मैं हर बार करता हूं क्योंकि वो आता है फेयर यूज की गाइडलाइंस के अंडर, बट बिकॉज इनका ईगो इतना ज्यादा फ्रजाइल है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतनी गंदी फिल्म को इतने मास लेवल पे रिव्यूअर्स ने गंदा कैसे बोल दिया। तो इन्होंने एक डंडा बजाना शुरू कर दिया कि इनको लगा डर हो जाएगा हर किसी के दिल में सबकी वीडियोस के बाद। ये तो वही बात हो गई, तुम एक रेस्टोरेंट में गए, तुमने भैया खाना खाया, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा, तुमने बिल भी दिया और फिर शेफ को ये बोला कि भैया बहुत ही खराब खाना था आपका, और शेफ ने आपसे आपके पैसे भी छीन लिए और आपको लात मार के बाहर निकाल दिया। अगर आप पैसा दे रहे हो एक फिल्म को देखने के लिए और आपको वो फिल्म अच्छी नहीं लगती, आपके पास सारे के सारे राइट्स हैं कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसे उस फिल्म को क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती से लाठी के जोर पे विदाउट एनी लॉजिकल ग्राउंड्स किसी की वीडियो को गिरा देना, अपने क्रिटिसिज्म की वीडियोस को गिरा देना, स्नबिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। देयर फ्रेजाइल ईगोस वर हर्ट सो बैड लुकिंग एट ऑल द नेगेटिव रिव्यूज ऑफ देयर टेरिबली एट्रोशियसली मेड फिल्म, कि इन्होंने ये जरूरी तक नहीं समझा कि स्ट्राइक डालने से पहले क्रिएटर को इंटीमेट कर दिया जाए, क्या पता वो खुद ही हटा ले। इन्होंने सीधा ये अंदर आए और सीधा ही भैया लाठी चार्ज करके सबकी वीडियोस गिरवा दी। बट हियर वी गो अगेन, हियर वी आर, दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेड। मैंने दो दिन लिए लीगल्स फिगर आउट करे, हमने पिछली वीडियो जो कॉपीराइट देके इन्होंने गिरा दी उसको हमने चैलेंज भी किया है, 10 दिन में इनकी तरफ से हमारे को रिप्लाई आएगा, नहीं आया तो हमारी वीडियो दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएगी। अगर आता है तो देखते हैं किन ग्राउंड्स पे हमारे को चैलेंज करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम अपनी तरफ से बहुत क्लियर है कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का हमने उल्लंघन नहीं करा है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए #latrin कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में छोड़ते जाना।